तो गाइज फिर से एक बार आप सभी के लिए मैं एक खतरनाक सी वीडियो लेके आया हूँ गाइज। लेकिन गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बोलूंगा गाइज, जो इस टाइम पर इंडिया में पैंडेमिक चल रहा है, तो गाइज घर पर ही रहें, सेफ रहें, कोई जरूरी काम पड़ने पे घर से बाहर निकलें, और जब भी बाहर निकलें मास्क और सैनिटाइजर साथ में जरूर लेके जाएं, जरूर कैरी करें। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को गाइज। तो अगर आप में से भी बहुत से लोग इस टाइम पर सोच रहे हैं पीसी बिल्ड करने का, या कोई अपना खुद से प्री पीसी बाय करने का बिल्ड पीसी, तो गाइज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ बेसिकली। तो गाइज जैसे कि आपको पता है इस टाइम पर प्राइसिंग कितनी हाई चल रही है कंपोनेंट्स की, तो गाइज उस हिसाब से मैंने बेसिकली मैं अपने ही पीसी के लिए ना एक लिक्विड कूलर सर्च कर रहा था अमेजोन पे, तो वो सर्च करते करते गाइज मुझे एक लिनोवो का प्री बिल्ड पीसी मिला। गाइज उससे पहले बोलूंगा मैं प्री बिल्ड पीसी को आज से पहले प्रेफरेंस नहीं देता था कभी भी, ना ही मैंने सोचा कभी मैं इस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं। लेकिन गाइज मुझे प्राइसिंग देख के बहुत ज्यादा मैं शॉक्ड हुआ, तो गाइज तभी मैंने ये वीडियो बनाई। गाइज वैसे मैं बताऊं कि इस टाइम पर आपको पीसी बिल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गाइज जैसे पैंडेमिक चल रहा है गाइज मैं तो ना करूंगा और मैं भी इस टाइम पर ना ही करता, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी या बहुत टाइम से अपना बजट लेके चल रहे थे तो आपको ये पीसी बिल्ड उस बजट में मिलता है, तो आप गाइज ये जरूर कर सकते हो, या फिर आपके अंदर कीड़ा है गाइज जोक सपाट, तो गाइज आप इस बिल्ड को बाय, इस प्री बिल्ड को बाय कर सकते हो गाइज। तो गाइज मैं बात कर रहा हूँ लिनोवो के आइडिया सेंटर G5 गेमिंग डेस्कटॉप की गाइज। तो गाइज मैं बताता हूँ आपको मार्केट प्राइस से ये पीसी बिल्ड आपको किस रेंज में मिलता है, क्या हमें इसको लेना चाहिए, प्राइसिंग इसकी लो है मार्केट कंपोनेंट्स के हिसाब से कि उनसे भी हाई पड़ रही है। तो गाइज मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो में आगे ये सब। तो गाइज मेरा नाम है कशिश और आप देख रहे हो टेक्नो कैश। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसे ही पीसी कंटेंट में, गेमिंग पीसीज में गाइज, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं वीडियो को, शुरू करते हैं वीडियो को हमारे गेमिंग पीसी पे। तो गाइज मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप सब गाइज देख रहे हो ये लिनोवो का प्री बिल्ड पीसी, इसका नाम है लिनोवो आइडिया सेंटर G5 गेमिंग डेस्कटॉप। तो गाइज इसमें जो हमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है गाइज, वो इंटेल का i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर है गाइज। गाइज इस प्रोसेसर की बात करूं अगर मैं, तो गाइज इसमें हमें 6 Core and 12 Threads तो देखने को मिल जाते हैं गाइज। साथ में गाइज इसकी जो बेस क्लॉक है वो 2.9 और अप टू इसकी बूस्ट क्लॉक गाइज 4.3 GHz है गाइज। तो गाइज अगर मैं बेसिकली बात करूं गाइज, ये प्रोसेसर टक्कर देता है AMD के Ryzen 5 3600 को गाइज। गाइज आपको पता है इंटेल तो वैसे भी सिंगल कोर में अच्छा ही है AMD से उस टाइम पे गाइज, मैं अब के प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा, उस टाइम की बात कर रहा हूं गाइज। और गाइज मैं बात करूं कि ये आपको थर्मल में भी बेटर, मतलब हीटिंग इश्यूज में भी आपको ये बेटर ही मिलेगा AMD से गाइज। तो गाइज पहली चीज तो ये होगी गाइज। सेकंड में बात करूं गाइज, इसमें हार्ड डिस्क देखने को मिल रही है 1 TB की, और गाइज हमें 256 GB की गाइज हमें SSD भी देखने को मिल रही है इसके अंदर गाइज। इसके बाद बात करता हूँ गाइज, हमें विंडो भी देखने को मिल रही है, विंडोज 10 देखने को मिल रही है इसके अंदर। और गाइज मेन जो मैं बात करता हूँ गाइज, जो ग्राफिक कार्ड हमें देखने को मिलता है इसके अंदर गाइज, वो है NVIDIA का गाइज 1660 सुपर 6 GB वाला वेरियंट गाइज। गाइज इस प्रोसेसर की, इस ग्राफिक कार्ड की मैं बात करूँ इस टाइम मार्केट में, तो गाइज इस टाइम पे ये ग्राफिक कार्ड बिक रहा है 48,000 रुपीज का गाइज। बिल्कुल सही सुना गाइज। तो गाइज अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ गाइज, इसका इनटेक का थोड़ा डिजाइन दिखाता हूँ मैं कैसा है इसके बारे में। तो गाइज जो डिजाइन की बात करूँ गाइज, इसमें मैं ब्लूटूथ एंड वाईफाई की कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है गाइज। एयर फ्लो की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसमें एयर फ्लो तो कुछ खास है नहीं, मैं आपको लिनोवो की वेबसाइट पर भी दिखा देता हूँ। तो गाइज एयर फ्लो का तो मैं कुछ आपको ज्यादा बोलूंगा ही नहीं गाइज। ये देखो यहाँ से इसका फ्रंट से गाइज, 3 साइड से इसका इनटेक होगा, बैक साइड से एग्जॉस्ट होगा गाइज। गाइज मैं कैबिनेट और गाइज मदरबोर्ड की बात नहीं कर रहा गाइज। मदरबोर्ड गाइज इसमें हमें बिल्कुल बेसिक से बेसिक मिलना है गाइज। ये वो चीजें हैं जो आप बाद में भी अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है ना गाइज, वो आप बाद में भी अपग्रेड कर लोगे, कोई इशू नहीं है गाइज। पावर सप्लाई हो गई, रैम हो गई, ग्राफिक कार्ड तो आपको नीड पड़ेगी नहीं, मदरबोर्ड हो गया, कैबिनेट हो गया, ये चीजें आप बाद में भी अपग्रेड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है गाइज। जो मैटर करता है गाइज, हमें ये 70,000 का जो हमें पड़ता है ये i5 के साथ, क्या गाइज ये वर्थ इट है, मतलब ये वर्थ इट है कि हमें बाहर से सस्ता पड़ जाएगा गाइज।
तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज जहाँ से अपना पीसी पूरे कंपोनेंट लिए वहीं से मैंने प्राइजेस पता करे, तो क्या मैं आप बताता हूँ वो क्या प्राइजेस में हमें पड़ता है गाइज ये। तो गाइज जैसे कि आपको एक कैलसी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो गाइज जो प्रोसेसर है i5 ये मैंने पता करा है ये 13800 का देखने को मिलेगा। जो गाइज साथ में हमें इसके ग्राफिक कार्ड है जो 1660 सुपर, गाइज इसका अभी करंट रेट जो मुझे मैसेज में उनका रिप्लाई आया 48,000। गाइज ये दोनों आइटम्स है ना 61,000 हो चुका है। गाइज इसके बाद ऐड करेंगे हम 3500 की रैम, 3550 की हार्ड डिस्क और 3200 की हमें मिलेगी SSD। गाइज तो 72,000 तो गाइज ऐसे ही हो चुका है। इसके बाद गाइज आप मिनिमम कैबिनेट लगा लो 3000 की। ओके गाइज, गाइज इनका मदरबोर्ड तो बहुत चीपर एंड भी होगा। मैं अगर बात करूं आपको, आप लगा लो गाइज 5000 रुपीज का मदरबोर्ड, आइडिया दे रहा हूं गाइज, इतना इससे महंगा भी ये लग सकता है, क्योंकि महंगा लगाओ ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको गाइज, 80,000 रुपीज आपके सामने है गाइज सब कुछ। तो गाइज मैं आपको बोलूंगा, अगर आप प्लान कर रहे थे तो गाइज गो फॉर इट, आप इसके साथ जा सकते हो, बिना सोचे समझे आप जा सकते हो। गाइज मैंने बिल्ड ना करा होता, अगर मैं इंटेल का फैन होता तो गाइज मैं इंटेल जरूर बाय करता, मेरे को इंटेल वैसे ही पसंद नहीं है। बहुत टाइम से गाइज मैंने इंटेल ही चलाया, तो अब मैंने कहा क्यों ना AMD में स्विच किया जाए। लेकिन गाइज ये डील जो गाइज अमेजोन पे मिल रही है हमें 6700 की, सॉरी 68,000 की। गाइज मैं इसकी अदर स्पेक्स के बारे में बात करूं, गाइज ये वाली है बेसिकली इसकी, ये वाली देखना गाइज। गाइज इसमें हमें विंडोज 10 मिलेगी 64 बिट में, होम वाला बेसिकली है गाइज। और गाइज ये आपको लाइफ टाइम फ्री मिलने वाली है गाइज। गाइज मैं अब आपको एक बात बोलता हूँ, 3 ईयर की गाइज गारंटी मिल रही है हमें। अगर आप खुद से बिल्ड करते हो प्रोडक्ट, आप अलग से NVIDIA लगा लो, MSI गीगाबाइट का ग्राफिक कार्ड लेते हैं, राइट, AMD का प्रोसेसर हो गया, हार्ड डिस्क Seagate की हो गई, SSD किंगस्टन की हो गई, मदरबोर्ड MSI का हो गया, गाइज इसमें सबसे बड़ा हमें एडवांटेज क्या है, अगर आपके PC में कोई भी चीज़ ख़राब होती है ना गाइज, आपने Lenovo से कनेक्ट करना है, सिर्फ आपकी हर एक चीज़, किसी भी चीज़ का ब्रांड होगा, आपने एक जगह ही कनेक्ट करनी है अपनी कॉल और आपका PC ठीक हो जाएगा। अगर मैंने खुद बिल्ड करा है, अगर मेरा ग्राफिक कार्ड ख़राब होता है, वैसे ना ही हो यार, अगर होता है तो गाइज मुझे Zotac को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा ना, बेसिकली AMD का प्रोसेसर था तो मुझे AMD से बात करनी पड़ेगी, MSI का मदरबोर्ड तो मुझे MSI से बात करनी पड़ेगी। गाइज ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको, कि अगर आपकी कोई भी चीज़ ख़राब होती है, आपने सिर्फ Lenovo से ही कनेक्ट करनी है अपनी कॉल और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गाइज मैं बात करता हूँ इसके, गाइज में जो अडाप्टर है वो 380 वाट का अडाप्टर देखने को मिल जाएगा आपको बेसिकली। गाइज एक सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ आपको ना गाइज, इसमें कीबोर्ड माउस का कॉम्बो भी मिल रहा है, तो वहां से भी आपका खर्चा बचा। अगर मैं ऐड करूं कैलसी में वो 81,000 अप्रोक्स आपको पड़ता। तो गाइज मेरी साइड से गो फॉर इट, ये बेस्ट चॉइस है। 1660 सुपर आप ग्राफिक आप कार्ड, आपको पता कितना अच्छा है, मतलब अगर आप बजट गेमर हो तो। गाइज एक और बात बोलूंगा, इसका ये प्राइस गाइज फिक्स नहीं है, मैंने इससे कम प्राइस में भी ये अप्रोक्स मैंने गाइज 59,000 में ये वाली बिल्ड देखी हुई है, 62,000 में ली बिल्ड देखी हुई है। गाइज आप फोकस करो इस चीज के ऊपर, आप डेली इस प्रोडक्ट का रेट देखो, आपको दिखता है कि डाउन हुआ है, कोई आपका HDFC का कार्ड है, कोटक का कार्ड है, यूज करो, डिस्काउंट लो एंड इसको बाय करो। अगर आप बाय करना चाहते हो इस टाइम पे, मैं तो अभी ना करता, आपने प्लान था एक दिन में करने वाले हो, तो गाइज गो फॉर इट, मिस मत करो ये डील, परफेक्ट है गाइज। तो गाइज जैसे कि आपने देखा यार, मैंने आपको पूरा दिखा दिया, आपको मैंने प्राइजिंग भी कंपेरिज करके दिखा दी दोनों की, क्या क्या प्राइजेज आपको बाहर से खुद से बिल्ड करते हो उसकी और इसकी। गाइज जैसे कि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, अगर आपने आपको खुद से बिल्ड लगता है तो आप खुद से लीजिए, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये भी ले सकते हो, मैंने जैसे कि आपको वीडियो में बताया ही है पीछे। तो गाइज अब मैं करता हूँ उम्मीद कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, नीचे लाइक का बटन है उसको प्रेस करो अभी अगर आपको अच्छी लगी है तो। और हाँ गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगती है, मैं अच्छा लगता हूँ, तो गाइज सब्सक्राइब के बटन को तोड़ दो प्रेस कर करके, क्योंकि गाइज आप करते नहीं हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो गाइज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ गाइज ऑलवेज गिव योर बेस्ट।